नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग की मशीनों में ये गंदगी हो जाती है। ये देखिए, ये में बहुत गंदगी दिखेगी आप। तो ये सफाई कैसे करें, कई बार पानी डालते इसमें कबाड़ा ऊपर उठ जाता था और सारे कपड़ों में वापस लग जाता था। ये ऐसा होता है जब जूते वगैरह धोते हैं हम ज़्यादा, उनका कबाड़ा वगैरह लगता है तब हो जाता है। इसको मैंने खोल दिया और ये जो उठा रखा मैंने, यहाँ दो पेज थे, दो इसमें थे, ये उठा हुआ है। ये देखिए, अब ये निकलेगा बाहर, ये निकलेगा बाहर। ये मैंने खोल दिया इसको पीछे से, तो इसको खोलना बताता हूँ। सबसे पहले आप पीछे का ये ढक्कन खोलिए, फिर एक यहाँ पेच है और एक यहाँ है, दो खुल के साइड में मारेंगे निकल जाएगा। उसके बाद में एक ये पेच है, ये खुल नहीं रहा था, जर लग रहा था, मैंने काट दिया इसको खोलने के लिए। और इसके नीचे एक पेच था यहाँ पे, वो भी खोल दिया है। तो ये ऊपर का ढक्का ना उतरेगा, मगर एक पेच अभी भी ये इसमें गल गया, इसको तोड़ के निकालूंगा। कैसे भी निकाल के जब ये ऊपर का ढक्का हटेगा तब ये निकलेंगी। ये 7 किलो की सैमसंग की मशीन है। सैमसंग 7 kg। तो आपको करना ये है कि आपकी सफाई करने के लिए इसको, इसमें होता नहीं है किसी ज़्यादा मशीनों में, पेंसिलटर होता है, ये नट खोल के इसको आप धीरे धीरे करके हिला के निकाल दो। इसके नीचे गंदगी होती है, मगर इसके अंदर तो इसको यहाँ से हटा के ये बाहर निकलेगा, इधर का भी ये बाहर निकले तब सफाई होगी। इसमें अंदर फंसा हुआ कूड़ा ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको जब अगर सैमसंग की मशीन सफाई करनी, तो आपको ये देखिए कितना कूड़ा इसमें, थोड़ा सा पहले भी निकला है। बाकी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, खोल गया ये उठ जाएगा, निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने खोल लिया है, देखिए इधर हो गया, ये तोड़ ही दिया, खुलने का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था। पेज गला होता एक पेज मुझे यहाँ भी लगा, यानी टोटल पीछे 3 पेज है और एक ये 4 है। तब ये ढक्का नटेगा और दो ये यहाँ थे, एक हेयर एक इधर, यानी टोटल एक यहाँ था, 3 पीछे ये और एक वो। इसको अब लोग मुझे निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये पूरा सड़ा हुआ है, ये सफाई होगी। ये दूसरा भी है, इसको निकालते हैं। ले देगी, बिल्कुल सड़ी हुई है। अब इसको सफाई करेंगे और फिर वापस कस देंगे। जब कसेंगे तो दिखाऊंगा आपको। इसमें भी पानी वानी डाल के इसके नीचे के पीछे का रबड़ बड़ डाल के सफाई करनी है सही से, तभी होगा। तो देखिए इसको खोल लीजिए, पहले इसको साफ़ करने के लिए इसमें पानी डाल के वो खोलेंगे नहीं रबड़ को तो गंदगी इसमें रह जानी है। ये खोल मारा मैंने, ये इसको खोल लीजिए, तब जाके इसमें पानी डालोगे तो सफाई होगी सही से, नहीं तो परेशानी होगी। और ये देखिए गंदगी, तो फाइनली दोस्तों हमारी हमारी मशीन चालू ठीक पूरी हो कर दी हमने। तो ये देखिए, ये लगा दिया पूरा सफाई करके, बिल्कुल चकाचक हो गया। देखिए हम देखे चला के दिखाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि सफाई करनी है तो थोड़ा मुश्किल काम है, मगर हो जाएगा। सारा सफाई कर दिया इसकी अच्छी तरह से, और अपने ये भी अपनी मशीन चालू है। तो ऐसा करता हूँ, आपको ये बड़ी अच्छी लगे सैमसंग की मशीन, 7 किलो वाली सफाई करी हमने आज, 7.5 की भी इतनी होती है। बाकी आप कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है, और मशीन में आपने कहाँ से खोलना कैसे खोलना है, ये मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। धन्यवाद।